हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ शाम से, और शाम के टाइम है, और यहाँ पे बना रही हूँ बेसन की हलवा। तो मैंने इसमें डाला है घी और बेसन डाल के भून रही हूँ। कोई मेजरमेंट नहीं है, ऐसे मैं अंदाजे से बना रही हूँ। तो यहाँ पे बेसन को थोड़ा सा टाइम लगेगा भूनने में, तो आँच को धीमा करके ही भूनना है और इसे अच्छे से भून लेना है। इसमें बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर सी खुशबू आने लगेगी, तो और सुनहरा कलर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है ये बेसन का हलवा। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने को मन करता है, तो तब भी मैं बना लेती हूँ, जब भी मर्जी होता है। अगर आप लोग भी मेरे तरह मीठा खाना पसंद करते हो, तो आप लोग भी इस तरीके से हलवा जब भी मर्जी बना के आप खा सकते हो घर पर। तो यहाँ पर अच्छे से बेसन भून गया था ना, तो मैंने थोड़ा सा पानी के छींटा मारा और इसे अच्छे से मतलब भून के उसके बाद इसमें पानी डाल दिया है। अपने अंदाजे से मैंने इसमें पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करना है, और ये बहुत आसानी से मिक्स भी हो जाता है। तो यहाँ पे मिक्स हो गया, और इसमें ना ये अच्छे से पक जाएगा ना, तो कढ़ाई को पूरे अच्छे से तेल छोड़ देता है। उसके बाद से इसमें मैंने ना डाल दिया है चीनी, अपने मीठे के हिसाब से, कम ज़्यादा आप डाल सकते हो। यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच को धीमा मैंने रखा है, और ये आप मतलब पूरे कढ़ाई छोड़ देता है तेल घी। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो फटाफट, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना अच्छे से मैं इसे मिला लेती हूँ, और उसके बाद से इसमें जो आपके पसंद है ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने ना बादाम और काजू लिया था, काट के रखा था, वो डाल दे रही हूँ, और इसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, आसान भी रहता है। तो अभी शाम के टाइम है, और इतना ज़्यादा छत पर जा मतलब धूप हो रहा है ना, कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, और छत पे आने के मन ही नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा धूप और पूरे घर में धूल आ रहा है, गर्मी हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब छत पे परेशानी हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग नीचे रहते हैं। कहाँ रहते हैं अभी आप लोग के वीडियो में आगे दिखा दूँगी। और उसके बाद से ना यहाँ पे हलवा बन चुका है, मैं फटाफट ही काट लेती हूँ प्लेट में। और अभी शाम के 5 बज रहा होगा, तो आप लोग को दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है, और इतना ज़्यादा खुशबू आ रहा है इसमें से कि मैं आप लोग के क्या भी बताऊँ। और यहाँ पर हलवा बन के डन हो गया है, और आप लोग देख सकते हो कितना देखने में अच्छा लग रहा है, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो उसके बाद से ना शाम को मैंने ना हल्का सा खिचड़ी बनाया था, तो वो वीडियो मैंने नहीं शूट किया। और सुबह की टाइम है, यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ, घर के झाड़ू वाड़ू हो चुका है, और सब्जी मैंने बना दिया है लंच हिमांशु के ले जाने के लिए, क्योंकि हिमांशु की स्कूल है और उसको एडमिशन कराना है, तो अब स्कूल वो जाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ना मैंने ना रोटी आटा लगा के रखा था, आटे में मैंने ना थोड़ा सा तेल और नमक अजवाइन डाल के टाइट सा आटा बनाया है पूड़ी के लिए, और आलू की भुजिया बना के रखा है। तो बच्चे सबके लंच में कुछ अच्छा अच्छा दो तो खा लेते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे बस हमको ना पूड़ी बनाना है, और टाइम हो चुका है 7:30 हो चुका है, 8 बजे से स्कूल है इसका, तो नहा धोवा के पूजा कर रहा है, और तब तक मैं पूड़ी तल देती हूँ। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे डेली लाइफ देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सारी बेल के रख लेती हूँ, क्योंकि इसे आसान रहता है, सारी बेल के प्लेट में रख लो। और नीचे सिवान से मैं उससे बातें कर रही हूँ, वो बहुत परेशान कर रहा है इस समय। और आकृति चली गई है स्कूल, मतलब अपना हॉस्टल, कल ही गई थी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे बाबू के हैंडल करने में। यहाँ पे ना ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं फटाफट पूड़ी बना लेती हूँ। और सुबह के टाइम में ना थोड़ा सा भागा दौड़ी रहता है हर चीज़ के, इधर दौड़ मतलब सारे काम सुबह में ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे फटाफट मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। और तलने के बाद से ना ऐसे हिमांशु पूजा कर रहे थे, तो उसको मुझे नाश्ता देना है। चाय बना के इसे अभी रखा है, मैं भी नहीं पी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आज लेट ही हो गया था, सिवान सुबह में ही उठ गया था और वो कोई काम मुझे करने नहीं दे रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैं 6 बजे उठी, उसको ले करके ही आई छत पर, और यहाँ पर ना फटाफट मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। और ज़्यादा नहीं, मेरे लिए और हिमांशु के लिए बस दो ही आदमी है अभी खाने के लिए। चाय ऐसे रखा है, अभी चाय भी नहीं पी हूँ। यहाँ पे आलू की भुजिया बहुत सुंदर बन गया है, और हिमांशु ने पूजा वूजा कर लिया है, तो उसको लिए मैंने ना दे रही हूँ नाश्ता करने के लिए। यही नाश्ता भी कर लेगा और यही लंच लेके भी चला जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट मैं नाश्ता भी इसका लंच भी पैक कर दे रही हूँ। और अभी मैंने ना टिप इसका बॉक्स ना लंच बॉक्स नहीं ऑर्डर किया है, ऑर्डर करना है मुझे, ये पुराने वाले में अभी फ़िलहाल दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना थोड़ा सा इसको बड़ा चाहिए, तो मैं ऑर्डर करके मंगाऊँगी, और इसे छोटा वाला मैं अभी दे रही हूँ। तो यहाँ पे लंच भी पैक हो गया है, और ये लंच थोड़ा सा अट्टा बच गया था ना, तो इसको मैं ना टिफिन में करके रख दूँगी फ्रीज में,
कि ख़राब नहीं होगा। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और नहाना धोना सब कुछ हो गया है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा में ना आपको मैं बता दूँ कि कुछ ऐसा नियम है कि आप करेंगे तो आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बने रहेगी। तो 2 कपूर लीजिएगा और 2 लौंग डेली अपने घर में जलाइएगा और पूरे घर में दिखाइएगा, तो आपके शरीर मतलब स्वस्थ भी रहेगा और पूरे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है ऐसे करने से। तो ये हो गया पूजा पाठ, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आप लोग से कुछ कह रही थी तब पीछे से शिवांश खींच रहा था मुझे, इसको ना ज़्यादा देर हो गया था मुझे छोड़े हुए, तो ये बोल रहा था चलो नीचे चलो, और ये दूध पीने के लिए परेशान किया था, तो मैंने आवाज़ को कट कर दिया। और यहाँ पे मैं अपने लिए लंच ले लिया, और इसमें थोड़ा सा हलवा भी लिया है रात को जो बचा था, चाय, और हम लोग जा रहे हैं नीचे। नीचे मैं अभी रह रही हूँ क्योंकि मतलब 20 दिन से हम लोग नीचे ही रह रहे हैं, क्योंकि नीचे मेरा जो घर है वो बेसमेंट टाइप की है, और इसमें बहुत काफ़ी ठंड रहती है, बहुत ठंडा रहती है, बिल्कुल आपको एहसास नहीं होगा कि आपको इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो हम लोग नीचे ही रह रहे हैं अभी, और एक फ़ैन चला के हम लोग रहते हैं, इतना ठंडा रहता है रूम में, पूरा घर बहुत ठंडा रहता है। ये टकला मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि टकले पे इसके बाल आ रही है, और यहाँ पे शिवांश थोड़ा सा पूड़ी खा रहा है, और मैं आप लोग को बता रही हूँ कि पूरे घर एकदम ठंडा रहता है, तो हम लोग पूरे दिन यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर ना अभी मैं पूरे सर सफाई कर लिया है, बिस्तर भी सही कर दिया, मच्छरदानी हटा दिया है, रात में हम लोग यहीं पे सोते हैं पूरे, मतलब ऐसे ही है एकदम सिंपल सा ही है, और इसी में हम लोग रहते हैं, बहुत ठंडा रहता है इसलिए ठंड के वजह मतलब गर्मी की वजह से नीचे रहते हैं। और ये शिवांश को देखिए एकदम झूठ मतलब ऐसे ना नाटक बना रहा है, ये अभी सोया नहीं है लेकिन बोल रहा है मम्मी मुझे भी करो, ऐसे कर रहा है मम्मी मुझे भी करो, इसको पता हो गया है सब कुछ कि मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही है। ये मोबाइल लिया रहता है ना, तो मैं इसको बोलती हूँ दो ना रिकॉर्डिंग करना है तो दे देता है, तो इसको पता है कि मम्मी रिकॉर्डिंग करती है, तो देखिए नाटक बना रहा है। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि एक मीशो से बैंगल मंगाई थी जो कि बहुत खूबसूरत है, तो मुझसे रहा नहीं गया आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और अच्छा लग भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, 2 पीस में है और ये 200 रुपया के पड़ा है, और ये बहुत खूबसूरत है, आप लोग एक एक भी इसे पहन सकते हो और चूड़ी के बीच में भी लगा कर पहन सकते हो, चूड़ी के लास्ट में भी ये रह सकता है, तो बहुत अच्छा लगेगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बैंगल मीशो से मैंने मंगाया है, 200 के पड़ा है। तो आप लोग को कैसा लगा ये बैंगल आप लोग कमेंट में बताइएगा, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।